आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को जीतने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके चलते आज काशीपुर में आम आदमी पार्टी के कैंप कार्यालय का शुभारंभ किया गया। कार्यालय के शुभारंभ के मौके पर युवाओं की भागीदारी देखने को मिली। बता दें कि आम आदमी पार्टी काशीपुर विधानसभा में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए लंबे समय से तैयारी कर रही है, जिसके चलते आज आम आदमी पार्टी के काशीपुर विधानसभा प्रभारी मयंक शर्मा के नेतृत्व में कार्यालय का शुभारंभ किया गया और कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर उन लोगों को आम आदमी पार्टी से जोड़ने की बात कही गई। वहीं कार्यालय के शुभारंभ के मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। विधानसभा प्रभारी मयंक शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता का समर्थन पाते हुए मिशन 2022 फतेह करेगी। तरह से किया और क्या कुछ किया? आज आम आदमी पार्टी काशीपुर का हमने कैंप कार्यालय का उद्घाटन करा है। सुबह हमने इसके लिए एक हवन का आयोजन करा था, जिसमें हमें सभी स्पोर्ट्स साथी उपलब्ध थे और बाकी साथी हमारे थोड़े समय बाद उपलब्ध हो पाए। और जिस तरीके से आज हमने जो उद्घाटन करा है, हमारे जैसे किसी भी पार्टी का या किसी भी दल का जो पदाधिकारी बड़ा प्रदेश पदाधिकारी होता है, उसी भावना में हमारे यहाँ एक छोटे कार्यकर्ता एक आम कार्यकर्ता की भी बराबर जिम्मेदारी है, बराबर उसका हिस्सेदारी है। इसी के लिए हमने हमारे जब्बन भाई और हमारे विजय जी और जोशी जी जो हमारे गार्ड साहब हैं, इनके माध्यम से इनके हाथों के द्वारा कार्यालय का उद्घाटन करा गया है। और जिस तरीके से हमारी आम आदमी पार्टी पूरे देश भर में एक ईमानदारी की राजनीति, काम की राजनीति कर रही है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे को जनता का साथ जैसे जिस तरीके से हाथों हाथ उनको दिया जा रहा है, हम जरूर 2022 के लिए एक विकल्प के रूप में उभर रहे हैं और 2022 हमारा जरूर होगा निश्चित। आम आदमी पार्टी।